मिनट्स। धन्यवाद, आपका स्वागत है इस चेयर पर। मैडम, पिछले दिनों पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को सुपरसीड किया गया, उसके स्थान पर नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया गया। शायद अभी पूरा बन नहीं पाया, बन गया मुझे मालूम नहीं। उसके बाद ये दोनों काउंसिल सुपरसीड की गई, होम्योपैथी से संबंधित और आयुर्वेद और आयुष से संबंधित। उनको सुपरसीड करने के लिए अध्यादेश लाया गया और दोनों के लिए बिल आए एक नेशनल होम्योपैथिक कमीशन के रूप में और एक नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के रूप में। दोनों बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास गए, उनकी रिपोर्ट आई, कुछ रिपोर्ट की संस्तुतियां स्वीकार की गईं। इस सदन से वो दोनों बिल पास हो चुके हैं और लोकसभा में अंडर कंसिडरेशन है। लॉकडाउन होता तो शायद पास हो गए होते। अध्यादेश लाने की जो जरूरत हुई वो इसलिए कि टाइम पर एक कमीशन को बना ही नहीं पाते। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को एक साल का सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया था, एक साल में नहीं बनाए गए तो वहां से डांट पड़ी, तो फिर भंग हुआ, तब जाके वो बना। इसमें भी मैं ये गवर्नमेंट से चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड उद्देश्य के लिए बिल हैं दोनों। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का कार्यकाल बढ़ाने के लिए हैं सिर्फ, जब तक नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एंड नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बन नहीं जाते हैं तब तक ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स रहेंगे। ये संवैधानिक बाध्यता है गवर्नमेंट के सामने भी अध्यादेश लाने की इस मामले में, क्योंकि लॉकडाउन के चलते लोकसभा में ये बिल आ नहीं सके थे। दो बातें सिर्फ मैं कहना चाहूंगा, एक तो गवर्नमेंट से अनुरोध यह है कि ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन फॉर होम्योपैथी, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बन जाएंगे, पास हो जाएंगे बिल, वहां से भी जब एक्ट बन जाएगा तो उसको फिर इतना विलंब मत कीजिए कि एक बार फिर आपको अध्यादेश लाना पड़े। So you have two minutes, huh? दोनों विधाएं, दोनों प्रणालियां बहुत महत्वपूर्ण है। देश के 70% लोग अब भी आयुर्वेद और होम्योपैथी से इलाज कराते हैं। एलोपैथी इतनी महंगी है, प्राइवेट अस्पताल में कोरोना का मरीज जाए तो एक एक दिन में 1-1 लाख रुपया चार्ज कर रहे हैं, 1-1 लाख। तो सबसे सस्ती तो होम्योपैथी है और कई ऐसे रोग हैं जिसमें एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, जैसे मत्स्य हो जाते हैं, वहां से टाइप, ये सब इसका केवल होम्योपैथी में इलाज है। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी रोग हैं जिनका जड़ से नाश करने की क्षमता है, लेकिन एलोपैथी नहीं कर सकती। और ये हिंदुस्तान की बहुत पुरानी प्रणाली है आयुर्वेद, बहुत पुरानी। वाल्मीकि रामायण ने और गोस्वामी तुलसीदास ने तो सुशान वैद्य को अमर कर दिया, लक्ष्मण को संजीवनी से जिंदा कर दिया, आयुर्वेद ही था ये पूरा। अथर्वेद हमारा आयुर्वेद है। So तो इसके लिए कमीशन में बंद कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इसका ये मजबूरी है सरकार को भी, कि जब है ही नहीं, जब बना नहीं पा रहे अभी तक उस कमीशन को, तो ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा, उसमें सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा इसको। लेकिन ये चाहूंगा मैं जरूर कि समय के अंदर इन दोनों कमीशन को लोकसभा से जब पारित हो जाए और एक्ट बन जाए तो 1 साल के अंदर बना लीजिए, वरना फिर आपको अध्यादेश लाना पड़े और फिर आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े सदन में। इसके साथ ही अपनी बात को समाप्त करता हूं और इन दोनों विधेयकों का मैं समर्थन करता हूं। आई थैंक ऑल द मेंबर्स हु हैव बीन कीपिंग एब्सोल्युटली इन टाइम। नेक्स्ट इज श्री तिरुचि शिवा, यू हैव